हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर और क्रोम ब्राउजर से आप एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड करना चाहते हो तो कैसे आप उसे डाउनलोड करोगे, यहां पे आपको एक बात को ध्यान रखना है। अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हो तो भी आप यहीं से अपडेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे अपने पिछले वाले एफएम व्हाट्सएप को डिलीट नहीं करना है, नहीं तो आपकी सारी चैट डिलीट हो जाएगी। अगर आप उसे अपडेट करना चाहते हो तो यहीं से आप उसे अपडेट कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ और जिसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डाउनलोड भी आप कर सकते हो। अगर आप पहली बार उसे डाउनलोड कर रहे हो तो यहां से डाउनलोड कर सकते हो, अगर अपडेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार एफएम व्हाट्सएप क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड या अपडेट कैसे करते हैं। तो चलो तो आज के वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपको कनेक्ट है अपने मोबाइल फोन के अंदर, यहां पे आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करते हो यहां पे आपको क्या सर्च करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आपको सर्च करना पड़ेगा, यहां से देखने को मिलेगा podmore.net, यानी कि ये एफएम व्हाट्सएप की यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यही सर्च करना है और उस पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक कर देते हो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां पे आपको कुछ सेकेंड का वेट करना है, वेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फॉर्ड व्हाट्सअप, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्जन देखने को मिल जाता है, जैसा यहाँ से देखने को मिलेगा एफएम व्हाट्सअप का वर्जन, कौन सा वर्जन चल रहा है व्हाट्सअप के अंदर। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे चले जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड का वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हो तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है एफएम व्हाट्सअप, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है। अब आपको करने का है फिर से थोड़ा सा नीचे आना है, यहां से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यानी कि डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास एक पेज आ जाएगा, यहां से उसका वर्जन देखने को मिलेगा और एफएम व्हाट्सएप का नाम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको नीचे आना है, कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, यहां पे आपको 15 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास एक पेज ओपन होकर आ जाएगा और वहां से आसानी से एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो, जैसा यहां से देखने को मिलेगा। मैंने कुछ भी नहीं किया, हमारा पेज ओपन होकर आ चुका है, यहां पे लिखा हुआ देखने को मिलेगा एफएम व्हाट्सएप और उसका वर्जन। अब आपको करना क्या, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे यहां से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां से डिटेल्स आप देख सकते हो, ये दोस्तों आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहां से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड हो रहा है। मैंने इसे पॉज इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी डाउनलोड करके देखा था कि आखिरकार यहां पे डाउनलोड होगा और जो वर्जन चल रहा है वो वर्जन हमारा डाउनलोड हो गया इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, तभी दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा कि मैंने यहां पे एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड करके देखा था, तभी मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए कि आखिरकार यहां से डाउनलोड करने पर आपको पूरा ओरिजिनल वर्जन मिलेगा, जो वर्जन व्हाट्सएप के अंदर चल रहा होता है। तो मैं इसे कट कर देता हूं। अब आपको करना क्या, डाउनलोड होने के बाद यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो उसके बाद यहां से आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहीं से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये यहां से आपका व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं हो रहा है, यहां से देखने को मिल जाता है ऐप नॉट इंस्टॉलेड, इंस्टॉलर यानी कि इंस्टॉलर नहीं हो रहा है, तो आप कैसे इंस्टॉल करोगे उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, चैनल पे विजिट करके आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसे देख सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से अपने मोबाइल फोन के अंदर एफएम व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने आपको पूरा डिटेल्स में और आसान तरीका बता दिया हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।